और कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। गांव वाला तो बोलता है बेटवा गरीब बा कमाए वहाँ पैसा लिया ही बोरा भर के, लेकिन यहाँ देखा बेटवा कैसे कमा था देख ला, न सुते के ठीक है ना खाए के ठीक है, देखा पानियो ना भैया यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक न्यू सीन में। दोस्तों अभी जो हम खड़ा है जहाँ पे, ये पेप्सी कंपनी है और हम लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो काम करते हैं, अभी एक बजे खाने खाने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे देखिए धूप कितना है, आप पीछे जो हमारे भाई लोग दिख रहा है, देखिए हम लोग झारखंड दुमका से आया है सब आदमी, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो दोस्तों कंपनी के अंदर ही पानी का भी तकलीफ है, अभी हम लोग देखिए यहाँ पे पानी लेने आया है, देखिए डब्बा से पानी भरेगा, ये टैंकर है ट्रैक्टर से आता है, और यहाँ पे हम लोग बोतल में पानी भरेगा, पानी भरने के बाद लेके चलेगा हम लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि रूम पे हमारे पानी का सुविधा नहीं है। रूम तो है लेकिन पानी हम लोग जो पानी पीने के लिए मिलता है वो कैसा है यहाँ पे, देखिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे। हम लोग साला इतना दूर से कमाने के लिए जा रहता है, और पानी उनी नहाने वहाने का बहुत यहाँ प्रॉब्लम होता है। देखिए ये यहाँ पे एक कुआँ है, ये देखिए साला मोबाइलिया ना गिर जाए भैया अंदर बाहो, ये देखिए यहाँ पे एक कुआँ है इसके अंदर पानी है, हम लोग यही पानी पीता है, यही खाना उना खाता है, क्या करेगा मजबूरन, बस हम लोग उतना आया है उधर से, तो यहाँ पे तो कुछ व्यवस्था नहीं है, ठेकेदार दो लोग है। तो दोस्तों अभी हम रूम पे आ गए हैं इन लोगों का, अभी देखिए लोग हम खाना खाने जा रहा है, लोग खाना खा रहा है, और देखिए अभी हम अंदर चलते हैं दोस्तों, अब दिखाते हैं अंदर क्या सीन है यहाँ पे। कुक भाई देखो कैसा है, कुक भाई पहले हमारे साथ में काम करता था लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है, ये देखिए कुकिंग में काम करता है, हमारे साथ में काम करता था लेकिन वो नहीं कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे सब्जी बना है, यहाँ पे दाल बना है, और यहाँ पे चावल बना है, ठीक है। हम लोग ये दाल चावल खाएंगे, अब मजे से दोस्तों काम करेंगे। यहाँ पे देखिए राशन का पूरा पैकेज भरा गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, खाली यही प्रॉब्लम है कि दोस्तों लाइट नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम यही है कि सब लोग हम लोग इतना आदमी रहते हैं लेकिन यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट का व्यवस्था नहीं है, सोलर है तो रात को सोलर चलता है और पंखा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम। सब आदमी अभी 2 बजने वाला है, खाना ले ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ पे एक ही बार प्रॉब्लम है दोस्तों कि लाइट नहीं है, लाइट की वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, मतलब अभी 38 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, और उसकी वजह से हम लोग सो नहीं पाता है रात को, क्योंकि पंखा तो है नहीं, असला मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता है कंपनी में, यहाँ से दिक्कत है। अब पैसा दोस्तों हम लोग को मिलेगा कितना, 10,000 रुपये में, 10,000 में कितना डिप्टी करेंगे, देखिए जितना भी लोग सोया है ना यहाँ पे, हम सब आदमी को 10,000 मिलेगा महीने का, और 10,000 में 2,000 काट लगा यहाँ पे खाने का, अब बाकी जगह मतलब 5-6 हज़ार बचता है, उससे ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, और ड्यूटी है 12 घंटा में, वो भी दोस्तों हम लोग को हरा के जियान कर देता है एकदम, इधर आओ साला उधर जाओ, ऐसा काम कराता है। ये देखिए हमारे साथ मोटा भाई काम करता है, अब ये खाना खा रहा है, ये भाई ये देखिए ये छोटा देंगे देंगे, देखिए ये भी खाना खा रहा है, सब आदमी खाना खा रहा है अभी, दो बन गया है। ये देखिए भैया लोग सोया है यहाँ पे, हम सब दोस्तों दुमका झारखंड से आया है यहाँ पे, हमको मिलता है महीने का 12,000 रुपया, जिसमें काट लेता है खाने का 2,000-2,500 रुपये का समय काटता है, और कुछ मिला के हम लोग को महीने का वही 8-9 हज़ार रुपये बचता है। यहाँ पे जो धूप है वो 40-35 डिग्री से का आसपास में टेम्परेचर रहता है इसके बीच में, और दूसरी है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, और बिना लाइट के हम लोग देखिए यहाँ पे 80-90 आदमी है यहाँ पे रहता है, और कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। गाँव वाला तो बोलता है बेटवा गरीब बा कमाए वहाँ पैसा लिया ही बोरा भर के, लेकिन यहाँ देखा बेटवा कैसे कमा था देख ला, न सुते के ठीक है ना खाए के ठीक है, देखो पानियो ना भैया यहाँ पे।